innocent or guilty, that's the tagline. Who killed Shiraz Malik? एक मर्डर मिस्ट्री है. आप जब देखेंगे तो बहुत सारा पॉलिटिकल एक उसमें ड्रामा चलता है. एंड आई थिंक इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट टू डू. आई वांट यू ऑल टू वॉच चार्जशीट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज दैट हैव बीन मेड इन अ डिफरेंट वे बट दिस इज वन यूनिक स्टोरी एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी आर पार्ट ऑफ इट. आई एम पार्ट ऑफ इट बिकॉज़ दे पेड मी. ओके, यू हैव डिफरेंट. आई जस्ट शो अप. आई प्लेड द क्वीन, सो आई एम अ पार्ट ऑफ इट. शी इज अ क्वीन. यस, शी इज अ क्वीन. I play her husband. So he's king? I'm king. That's correct. No, just the script was amazing and everyone working on it was, you know, not bad to work with. I got everyone's really great to work with, him and Sikandar and Tridhar. She's lying, but it's fine. Shiv and everybody. No, it's okay. Yeah. You don't have to. It's fine. They can handle the truth. No? Yeah. You don't want to tell them the truth? No. No. She hates me. He'll beat me up. I will not. How dare you say Look this? At him. Violence against women. How dare you accuse me of such a thing? My sisters will appear and beat me. Well, abhi tak to feedback is very nice. A lot of people have still to watch it. I think please go and watch. I mean, try and get it downloaded on Z5 and watch it and give us your opinions because it'll really matter to all of us and all the hard work that we put into it. That's right. That's it. I mean, what are you going to say? If you like the trailer, watch the show. If you like me, watch the show. If you like her, watch the show. If you don't watch the show, then to watch because it. Then you like us even more. Discover us, people. Discover us. We're amazing. शशांक सर के साथ काम करने में, शशांक शाह डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने में बहुत ही अच्छा लगा. बहुत अच्छे इंसान हैं पहले तो दैट इज़ द मेन थिंग. द पीपल दैट यू वर्क विथ, जो लोग अगर अच्छे हैं और आपकी किस्मत हो, अच्छी किस्मत हो कि आप अच्छे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बाकी रिजल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं, बट इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. अरुणोदय के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. यू हर्ड मी टेक योर नेम ना. तो अच्छे दोस्त बने और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. इनोसेंट पैसे गलती की है तो घर में घुस के पकड़ के लाएंगे ही लाएंगे ना. तो यहाँ पे भी हैं काफ़ी सारे सीन्स जहाँ पे रेड करते हैं, बट सीबीआई भी बिना वारंट के कुछ नहीं कर सकती. तो अगर किसी के घर में गई है तो सीबीआई को ज़रूर वारंट मिला होगा. कोई ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकता. तो बिना वारंट के तो कुछ नहीं होता. बाकी मेरा प्रेपरेशन इस रोल के लिए, आप प्रेपरेशन पूछ रहे हैं कि क्या है कि ऐसे ही पूछ रहे हैं? नहीं, पहले तो ये क्योंकि रियल लाइफ में भी हम देखते हैं. नहीं, मैं तो एक्चुअली इसे सीबीआई को ब्लेम बहुत किया जाता है. हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा. हाँ, कि क्या हाँ, ओके. नहीं, आप यहाँ पे भी देखेंगे इंटरेस्टिंग है कुछ. हाँ, ऐसे ही प्रियंका जी ने लिखा हुआ है जहाँ पे ब्लेम पड़ जाता है सीबीआई पे कुछ जगहों पे. बट जो ब्लेम लोगों पे करते हैं लोग, अब किसी पे कुछ कोई ना कोई चीज के लिए लोग ब्लेम करना चाहेंगे ना, अगर सीरियस मामला है. जैसे कि अगर पति और पत्नी की शादी हुई और डिवोर्स हो रहा है तो पत्नी अपने पति को ब्लेम करेगी और शायद पति अपने पत्नी को ब्लेम कर दे. तो उस हिसाब से वो लाइफ है. बट मैंने एक्चुअली ये कैरेक्टर को शशांक सर के साथ ही बनाया. मैं इसको पढ़ते गया तो इसे थोड़ा, ये अब क्या है कि ये शो है तो शो के लिए भी हल्का सा इंटरेस्टिंग कुछ कर लेते हैं हम लोग. तो इसके भी काफ़ी सारे कुछ न्यूएंसेस हैं जो इस जैसे सोचता है या कुछ करता है तो अपने हाथ के साथ कुछ करता है या अपने कान के साथ खेलता है. तो उस हिसाब से इसको फॉर स्क्रीन बनाया गया है. एंड पॉलिटिशियन भी दिखाए गए हैं इसमें आपके दोस्तों. जी, ऐसे एज एन पॉलिटिशियन के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस? लाइक जब वो पॉलिटिशियन एक्चुअली तो है नहीं. हाँ, इसलिए. हाँ, तो उसके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा को स्टार है, बहुत अच्छा को एक्टर है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक्टिंग कर रहे हैं कि, जैसे मैंने कहा कि, क्योंकि एक्टिंग अकेली चीज़ नहीं होती. सब लोगों का उस, जब आप कुछ बना रहे हैं तो बहुत पूरे टीम का इनपुट होता है. स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, जो कि डायरेक्टर सबसे सीनियर है, जो एक्चुअली डायरेक्टर का बच्चा होता है. सबसे ज़्यादा हक किसी भी चीज़ पर डायरेक्टर का होता है क्योंकि वो बनाते हैं, फ्रेम उनका होता है. बट यू ऑलवेज नीड पीपल जो कोलैबोरेटिव हो, जो कोलैबोरेशन के साथ काम कर पाए. तो अरुणोदय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा. सबके साथ, जिनके साथ भी काम किया बहुत अच्छा लगा. मैं इसलिए अरुणोदय का भी नाम लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ उसके साथ ज़्यादा काम था. तो बहुत ओपन है. क्या होता है कि जब एक्टिंग करते हैं लोग तो एक दूसरे को सजेशंस दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं. कुछ लोग शायद ना ले पाए, वो बिल्कुल ठीक है. बट हम दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री अच्छी थी कि वो भी मुझे कुछ कह देता, मैं सुन लेता, मैं भी उसे कुछ कह देता, सुन लेता. क्योंकि क्या एक्चुअली इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, हम सीन बना रहे हैं.
सीन खुद के लिए नहीं होता, सबके लिए, वो फेम के लिए होता है। साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है, इसी साल हम आपकी एक बहुत ही बड़ी फिल्म सूर्यवंशी भी देखने वाले हैं एंड नाउ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आप आ रहे हैं। जी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं बहुत ही ह्यूज हो चुका है हमारे इंडियन मार्केट में, हर कोई पसंद भी कर रहा है, हर कोई इससे जुड़ भी रहा है। आप कैसे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को, कैसा रहा आपका इस प्लेटफॉर्म पर शूटिंग करने का, कैसा होता है एक्सपीरियंस? देख, शूटिंग में तो कोई फर्क नहीं है, शूटिंग तो सेम ही है, दिन शायद ज़्यादा होंगे क्योंकि ड्यूरेशन लंबा है। फ़र्क शो बनाने में और फिल्म बनाने में यही फ़र्क है कि ड्यूरेशन। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी मेरे फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिया है। प्लीज़ जाके देखेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग शो है, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। Z5 पे आप सब्सक्राइब करिएगा और 8 के 8 एपिसोड जितनी जल्दी हो सके देख लीजिएगा।